हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चर चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 हिंदी से सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताने वाला हूं, और वो सिर्फ एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में मैं सभी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने वाला हूं। होता क्या है कि एग्जाम के टाइम में आप लोग सभी एक एक वीडियो देखते हैं जीवन परिचय की, लेकिन मज़ा नहीं आता, आपको हर जगह भटकना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताऊंगा। कक्षा 12 हिंदी के और कक्षा 10 वाले भी इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीवन परिचय सभी के सेम ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल एक कक्षा 12 हिंदी के लिए बनाई गई है और 2023 के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। 2023 को मद्देनजर पर रखते हुए इस वीडियो को बनाया जाता है, ठीक है। इस वीडियो में आपको 6 जीवन परिचय बताऊंगा जो कि इसी वीडियो में रहेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। पहला हमारा जीवन परिचय है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा रहेगा हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और तीसरा रहेगा महादेवी वर्मा जी का, चौथा रहेगा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और पांचवा आपका जयशंकर प्रसाद जी का रहेगा, छठवां आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही वीडियो में रहेंगे तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के टाइम आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं और वहाँ पर एग्जाम के टाइम इस वीडियो को देख लीजिए, बस हो गया। ऐसे भी सेव करना है आपको और सेव करके इस वीडियो को आप देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम, फास्ट मोड में आपको सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसे ही सभी के टॉपिक वाइज वीडियो आपको दूंगा और सभी की एकदम डिटेल वीडियो आपको दूंगा। तो अगर आप कक्षा 12 हिंदी मीडियम से हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें कक्षा 12 हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है, साथ साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ठीक है, ऑल पे ऊपर सबसे होता है, वहाँ पे सेट करना ताकि मेरी अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो जरूर कर देना, और वीडियो को इतना शेयर करो कि बहुत ज़्यादा सभी दोस्तों को अपने बताओ कि आपको अब सब जीवन परिचय की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो ले लो और इसमें सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कमेंट आपको व्यर्थ करना, क्योंकि जो भी आपको टॉपिक कठिन लगे हार्ड लगे आप कमेंट करिए, फटाक से इसका रिप्लाई मिलेगा। इस चैनल पर कमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो आपको जल्दी जल्दी इन सब चीजों को करना है और वीडियो आप चालू करते हैं। तो हमारा पहला जीवन परिचय जो कि है वह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कक्षा 12 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और हर साल लगातार रिपीट होता है, ठीक है। आप मैं इसके सामने ले आया हूँ तो आपको अच्छे से रीड करना है, मेरे साथ रीड करना है और अच्छे से देखना है एक एक वर्ड को, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपने लिख रखा है, तो मैं आपको बता दूँ कि कक्षा 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, जीवन परिचय नहीं पूछा जाता है। ये देखिए मेरे पास इसके प्रूफ के तौर पर 2018 का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर मैं आपको जीवन परिचय के पोर्शन पे ले चलता हूँ और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है ना कि जीवन परिचय, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साहित्यिक परिचय देना है और कृतियाँ देनी है, ठीक है, एक दो कृतियाँ और बाकी साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर यहाँ पर जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और एक बात, जो मेन पॉइंट होते हैं उनके नीचे आपको या तो आपको अंडरलाइन लगाना है या फिर उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया हुआ है तो आपको गोला नहीं लगाना, मैंने आपको समझाने के लिए गोला किया है, आपको अंडरलाइन लगाना नीचे, ठीक है, ऐसे कि मतलब कि मेन पॉइंट एग्जामिनर को साफ साफ दिख सके, यहाँ पर आपको पूरे नंबर वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BA, ठीक है, मतलब कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या किया, BA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया, ठीक है। इनकी रुचि वास्तव में अध्ययन और पुरातत्व में थी, ठीक है, और लखनऊ विश्वविद्यालय से ही PhD की उपाधि प्राप्त कर ली, मतलब कि लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने PhD की उपाधि भी प्राप्त कर ली, ठीक है। बाद में इन्होंने डिलीट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया, मतलब डिलीट एक कोर्स होता है उसको भी लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने किया, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहासकार विभाग के वे अध्यक्ष एवं प्राचीन इतिहास के आचार्य भी रहे, ठीक है, मतलब कि अध्यक्ष और आचार्य भी वहाँ के रहे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया, इन्होंने प्रागैतिहासिक बौद्धिक और पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया, ठीक है। यहाँ तक हो गया, एक पेज में था ये पूरा, आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को आप सेव कर लीजिए, एग्जाम के टाइम आप देख लेना, ठीक है।
इसके बाद है उनके साहित्यिक योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो 27 जुलाई 1967 को आपको करना है अंडरलाइन यहाँ पे, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख सके। और एक बात, अगर आप अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं तो इसको ब्लैक पेन से ही लिखना है, 27 जुलाई 1967 को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर इतना लिख देते तो आपको यहाँ से 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको प्रमुख रचनाएं इनकी लिखनी है, प्रमुख रचनाएं मैंने बहुत सारी यहाँ बता रखी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, केवल 2 से 3 ही लिखनी है। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पर देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख रचना है पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाग्धारा, कला और संस्कृति आदि। ठीक है, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी 2 या 3 को आप याद कर लीजिए और लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की भाषा शुद्ध व परिष्कृत खड़ी बोली है, इनके निबंधों में हमें विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, भावनात्मक तथा सूक्ति कथन और शैलियों के दर्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर मिल जाएंगे और वहाँ से आपके जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय के 3 नंबर, मतलब कि आपके 5 नंबर यहाँ से एकदम पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना याद कर लेते तो आपके 5 नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले जीवन परिचय की ओर, जिसका नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आपके सामने आ चुका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। यहाँ पर भी आपको साहित्यिक परिचय ही लिंक डालनी है, जीवन परिचय नहीं डालना है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। मैंने पहले समझा दिया है आपको क्या करना है इसके बारे में। ठीक है, आपको मेन 1 पॉइंट को, जैसे कि मैंने ब्लैक पेन से लिख रखा है, आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम लिखना है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे तथा इनका जन्म 1907 को, आपको ब्लैक से लिखना है, ब्लैक पेन से, 1907 ईस्वी में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्हें संस्कृत का अध्ययन कराया गया। सन 1930 को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य आपको ब्लैक में लिखना है कि परीक्षा उत्तीर्ण की कुछ समय बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी संबंधी योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। ठीक है, तो आपको 18 मई 1979 को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है। शॉर्ट जीवन परिचय एकदम मैंने आपको बताया हुआ है, आपको इतना ही लिखना है और आपके यहाँ से कितने 3 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। केवल इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको 2 नंबर लेने के लिए क्या करना है, इनकी 2 से 3 आपको रचनाएं लिखनी पड़ेगी, जो कि मैंने नीचे बता रखी है। ठीक है, करना क्या, प्रमुख रचनाएं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। ठीक है, मतलब कि साहित्य विस्तृत है लेकिन कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आपको रचनाएं बताता हूँ इनकी। यहाँ पर ऊपर आप लोग देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला निबंध इनके क्या क्या हैं, अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। ठीक है, उपन्यास कौन कौन से हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, आनंददास का पोथा और पुनर्वा आदि। ठीक है, तो आपको इनमें से 1, 2 या 3 आपको याद करके जाना है और वहाँ पे लिख देना है और यहाँ से आपके 5 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले जीवन परिचय की ओर। अगला जीवन परिचय हमारा प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और यहाँ पर भी आपको साहित्यिक परिचय ही हेडिंग डाल के लिखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके, आपको समझ आ गया होगा, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। श्री जी सुंदर रेड्डी का जन्म वर्ष 1919, क्या करना है आपको, ब्लैक पेन से लिखना है या फिर लाल पेन से अंडरलाइन नहीं करना है, मैंने आपको समझाने के लिए लाल स्केच से अंडरलाइन कर दिया, लेकिन आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से अंडरलाइन करना है या फिर ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, वर्ष 1919 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई व उच्च शिक्षा हिंदी में। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक
आंध्र विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया। 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, यहाँ से आपको कितने नंबर, 3 नंबर फ्री में एकदम मिल जाएंगे, बहुत ही छोटा शॉर्टकट में, जो उन पर्चे मैंने बताया हुआ है, तो आपको यही चीज साहित्यिक पर्चे आपको लिख देना है, वहाँ पे साहित्यिक पर्चे हेडिंग डालनी है और बाकी सब चीज़ें उतार के लिख देनी है। ठीक है, सिंपल याद करके जाना है, याद नहीं हो रहा तो आप अपनी कॉपी पेन में लिखिए और उसको याद करने की रट्टा मारने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं आपको अगली वीडियो लाऊंगा कि जीवन पर्चे को याद कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करके बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने इसका पूरा बता दिया जीवन पर्चे। अब क्या करने, प्रोजी सुंदर रेड्डी के 2-3 रचनाएं पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर प्रोजी सुंदर रेड्डी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रमुख रचनाएं देखिए, साहित्य और समाज पहला रचना है इनकी, मेरे विचार हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन वैचार की। ठीक है, शोध और बोध लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया संपादित अंग्रेजी ग्रंथ। ठीक है, तो आपको 1, 2 या 3 आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देनी है, आपको पूरे नंबर यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपके रचनाएं के और 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय के, मतलब कि टोटल कुल मिला के आपके 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को क्या करना है, लाइक जरूर करना है आपको वीडियो को, और कमेंट करना है कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको सभी टॉपिक वाइज वीडियो आपको दूंगा और बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी तैयारी आपकी करवाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर रखिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली जीवन परिचय की ओर। तो हमारा अगला जीवन परिचय जो कि आपके सामने है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है और हर साल बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय है और यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है आपको, जब भी आपको नंबर मिल पाएंगे, और मेन मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से हाईलाइट कर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गाँव रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, इनके पिता का नाम जैनुल अब्दीन और माता का नाम असियम्मा था, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद अगला, कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब जिसे आजकल लोग कहते हैं वो चीज़ ये करते थे। ठीक है, मतलब कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन आजकल लोग उसे पार्ट टाइम जॉब कहते हैं, तो ये पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी अपना कुछ करते थे। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। ठीक है, और स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। डॉक्टर कलाम यहाँ पर देखिए आप लोग, डॉक्टर कलाम देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न ये पा चुके थे। ठीक है, 27 जुलाई 2015 ईस्वी को एक व्याख्यान के दौरान, मतलब भाषण देते हुए के दौरान, हृदयघात मतलब कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 27 जुलाई 2015 ईस्वी को, मतलब कि अभी फिलहाल में 5 से 6-7 साल पहले। ठीक है, 27 जुलाई 2015 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी, किससे, हार्ट अटैक से। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, यहाँ से आपके अगर इतना लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे पक्के। इसके बाद आपको रचनाएं इनकी लिखनी है, 2 से 3 रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, मैंने लिख रखी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पर पहला है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, इसको आपको लिखना है, आप लिख देना। अगला हमारा विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तीसरा हमारी मिशन इंडिया, चौथी है अग्नि की उड़ान आदि। ठीक है, कलाम जी भारत के उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, दार्शनिक एवं समाज सेवी थे, मतलब ये सभी कुछ थे, मतलब कि राष्ट्रपति भी थे, उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी थे और दार्शनिक एवं समाज सेवी भी थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 रचनाएं इनकी बताई हुई हैं, यहाँ से आपको 1 या 2 या 3 आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देनी है अगर ये जीवन परिचय आता है तो। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको रिवाइज कर रखना है, अच्छे से याद कर रखना है ये आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले जीवन परिचय की ओर।
हमारा अगला जीवन परिचय जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है, वो है महादेवी वर्मा का VIP इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। ठीक है, यहाँ पर साहित्यिक परिचय मैंने हेडिंग डाल रखी है, आपको भी डालना है हेडिंग। ठीक है, ब्लैक पेन से लेकिन डालना है, मैंने ग्रीन स्केच से डाल रखी है। ठीक है, यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है, यहाँ पर जैसे लिखा है वैसे ही आपको सेम उतार देना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में हुआ था। मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से जिले में, फर्रुखाबाद जिले में हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम हेमरानी था। ठीक है, आपको इतना लिखना है। इसके बाद इनकी माता परम विदुषी धार्मिक महिला थी। ठीक है, इसके बाद आपको इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई, मतलब कि प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद में। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में MA किया, MA उत्तीर्ण करने के बाद, मतलब संस्कृत में MA किया। ठीक है, कितनी यार संस्कृत हार्ड होती है, तब भी इन्होंने MA किया संस्कृत। ठीक है, बाद ये प्रयाग मतलब कि इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गए। ठीक है, प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रधानाचार्य हो गए। ठीक है, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था, मतलब कि 9 वर्ष में, यार समझ सकते हैं ना कितना छोटी थी, आजकल के बच्चे कितने छोटे रहते हैं, 9 वर्ष में कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, 9 वर्ष की अल्पायु में हो गया था। इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था। ठीक है, परंतु इनका विवाहित जीवन सफल नहीं रहा या सफल नहीं था। ठीक है, मतलब कि 9 वर्ष में यार शादी हो जाए, सफल कैसे होगा। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की, मतलब घर पर ही इन्होंने चित्रकला और संगीत की शिक्षा खुद से प्राप्त कर ली। ठीक है, इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। मतलब कि अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए नारियों का शिक्षित मतलब कि पढ़े लिखे होना बहुत ही जरूरी बताया इन्होंने। ठीक है, कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की और 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवियत्री का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, मतलब ये 11 सितंबर 1987 को भी आपको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आपको हाईलाइट कर रखना है। ठीक है, इनकी रचनाएं आपको लिखनी है, यहाँ से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इनका लिख देते हैं। इसके बाद आपको इनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप रचनाएं यहाँ पर देखिए, रचनाएं इनकी महादेवी जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है निहार, यह इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला है रश्मि, इसमें आत्मा परमात्मा विषयक आध्यात्मिक गीत है। अगला है संध्या गीत, इसमें इनके श्रृंगार परक गीतों को संकलित किया गया है। अगला है दीप शिखा, इसमें इसके रहस्य भावना प्रधान गीतों का संग्रह है। अगला है यामा, यह महादेवी जी के भाव प्रधान गीतों का संग्रह है। ठीक है, इसके बाद अगला है नीरजा, इस संग्रह के गीतों में इनके जीवन दृष्टि का विकसित रूप से दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो आपको इनमें से 2 या 3 आपको याद करके जाना है और बोर्ड एग्जाम एकदम छाप देना है, आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, 5 के 5 आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला जीवन परिचय हमारा है, यहाँ पर देखिए अगला जीवन परिचय हमारा 2023 जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1989 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था सन 1889 में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, मैंने हाईलाइट कर रखा नीचे पेन से। ठीक है, बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध था। ठीक है, सुंगनी साहू के परिवार से। ठीक है, इनके पिता एक व्यापारी थे, मतलब कि व्यापार करते थे इनके पिता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई, इन्होंने इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इन्होंने घर पर ही खुद की और घर पर ही करवाई गई। ठीक है, इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी सीख ली। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए
सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया गया उच्च शिक्षा के लिए, किनका नाम, जयशंकर प्रसाद जी का नाम, ठीक है, लिखवाया गया, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा, ठीक है, और आठवीं तक की शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया, ठीक है, आठवीं तक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद इनका विद्यालय छूट जाता है। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, मतलब कि 12 वर्ष में समझ सकते हैं आप, अगर किसी की पिता की मृत्यु हो जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। कुछ समय पश्चात इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई, मतलब कि बिना किसी वजह के मृत्यु हो जाना उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है, ठीक है, इनके माता की अकाल मृत्यु हो गई, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं कि इतने के ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, आपको सबको समझ आ जाएगा कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय, ठीक है। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ही करते थे, मतलब इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था, ठीक है, वह इनकी शिक्षा दीक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई का प्रबंध किया करते थे, ठीक है, परंतु कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। अब समझ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इनके बड़े भाई, माता और पिता सबकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और माता की अकाल मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको आगे देखना है, इन्होंने 3 शादियाँ की परंतु तीनों ही पत्नियों की अकारण मौत हो गई, मतलब बिना किसी वजह की अकाल मृत्यु, मतलब कि हो क्या रहा था इनके जीवन में, हो क्या रहा था, देख रहे हैं ना, मौत हो गई। इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर ही अंदर, कौन, जयशंकर प्रसाद जी अंदर ही अंदर टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके 3 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने को कहा है, आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ आपको हाईलाइट करना है, इसके बाद आप यहाँ से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रचनाएं इनकी लिखनी है, तो मैं आपको रचनाएं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, यहाँ पर देखिए, नाटक में इनके क्या क्या थे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूंट इनके प्रमुख नाटक थे, ठीक है। तो आपको 1-2-3 जितने भी नाटक आपको याद हो जाए उतने याद कर लीजिए। इनके बाद उपन्यास इनके हैं, कंकाल, तितली और इरावती, क्या है इनके, उपन्यास हैं। इसके बाद आप लोग देखिए, निबंध क्या है इनका, काव्य कला एक निबंध है, केवल एक ही निबंध है, काव्य कला। महाकाव्य क्या है, कामायण इनकी एक महाकाव्य है, ठीक है, तो इसका महाकाव्य आता है। ये आपके 2 नंबर के आएंगे, ठीक है, 2 नंबर में आपको यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आपको 3 नंबर का आपका जीवन परिचय और 2 नंबर आपकी रचनाएं, मतलब कि 5 नंबर आपका पक्के हो जाएंगे। तो अगर मैंने आपके सभी जीवन परिचय आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, जो रह गए हूँ अगली बार बता दूंगा, लेकिन जितने भी थे मैंने सभी आपको बता दिए हैं। मैंने इस वीडियो में आपको 6 जीवन परिचय बताए हैं, कितने 6 जीवन परिचय बताए हैं। तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगली वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को करना है ऑल पे सेट, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसमें सभी जिन परिचय हैं और सभी लोगों को हेल्प हो सके, अपने दोस्तों को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। इस चैनल पर क्लास 12th हिंदी मीडियम के छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है, साथ साथ उनका टेस्ट भी लिया जाता है और उनके कमेंट पर बेहद ही ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपको कोई भी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।